बुधवार को सुबह से ही नागपुर और पूर्व विदर्भ में भी जमकर बारिश हुई, जिससे नागरिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं पहले से ही संकट की मार झेल रहे किसान भी बेमौसम बारिश से और भी चिंतित हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार शाम तक नागपुर में 5.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने नागपुर और पूर्व विदर्भ में बुधवार और गुरुवार को बारिश होने की चेतावनी दी थी। इस अनुसार बुधवार को नागपुर में सुबह से लेकर शाम तक 5.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी नागपुर समेत विदर्भ के भंडारा, गोंदिया, वर्धा, अमरावती, यवतमाल और गढ़चिरौली में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पूर्व और पश्चिम इन विरुद्ध दिशाओं से हवा आ रही है, जिसके चलते नागपुर और पूर्व विदर्भ में बारिश का मौसम बना है। लेकिन शुक्रवार से मौसम साफ हो जाएगा, जिस वजह से ठंड भी पड़ेगी। जनवरी माह के शुरुआत में ही नागपुर समेत विदर्भ में बारिश ने अपना कहर बरसाया था। जिलाधिकारी के आंकड़ों के अनुसार बारिश और ओलावृष्टि की वजह से करीब 22,000 हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान पहले से ही फसल खराब होने की वजह से दुखी थे, लेकिन बुधवार को आई बारिश ने भी किसानों की बची फसल खराब कर दी है, जिस वजह से किसान और भी चिंतित है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबराकड़े के साथ एकता गैरवार की रिपोर्ट।